दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबरें। 68वीं साले ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन हुआ। खेल स्टेडियम में विजेता खिलाड़ियों को दिए पुरस्कार। विधायक सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में एसपी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। और देवउठनी 11 के अवसर पर श्री खाटू श्याम के दरबार में पहुंचे बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु। भजनों का लिया आनंद। खेल स्टेडियम में 68वीं साले ताइक्वांडो प्रतियोगिता के समापन मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे। 32 से अधिक राज्यों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सबसे अधिक पुरस्कार महाराष्ट्र के खाते में गए। सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा व जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा में किया गया था, उसका समापन था और बच्चों को पुरस्कार दिए गए। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पे आए थे। लगभग 1485 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और लगभग 44 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 88 कांस्य पदक दिए गए। राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन समारोह था। इसके अंदर महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन रहा, जिसने 20 गोल्ड, 20 रजत और 6 स्वर्ण पदक जीते। सेकंड प्राइज अपना गया आंध्र के पास गया। इस कार्यक्रम में कौन कौन पधारे? इस कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय और जनपद अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी परिषद। पुलिस लाइन में जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हुआ। शिविर के दौरान 181 शिकायतों का निवारण किया गया। इस मौके पर पुलिस कप्तान रोहित कासवानी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। नहीं, लेट करा था ये अपने 4:30 का मॉर्निंग में, जल्दी रख लेते हैं। एक बजे तक रख लेते हैं। एक बार बुलाइए ना उन्हें। कहाँ बैठिए? दो दो लाख रुपए लेके बताओ आप बोल रहे मिलवाएंगे। पूरनपुरा गली नंबर 5 के पास रात्रिकालीन एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर कॉलोनी के नाले में जा घुसा, जिस कारण कई विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। विद्युत लाइन व वाईफाई को काफी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रीय लोगों की मदद से उक्त ट्रॉले को बाहर निकाला गया। लीड बैंक के अधिकारी ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक कैंप लगाए जा रहे हैं। 577 पंचायतों में से 140 पंचायत में कैंप आयोजित हो गए हैं। सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजनाओं के पंजीयन करने हेतु सभी ग्राम पंचायतों के जो बचत खाता धारक हैं, हर व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है और ये 3 महीने के लिए रहेगा। 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और 15 जनवरी 2025 तक ये चलेगा। अभी विदिशा जिले में 140 पंचायतों में कैंप लग चुके हैं और PMSEY में लगभग 3900 रजिस्ट्रेशन और PMJJY में लगभग 3200 रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। सभी बैंकें और प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। हर पंचायत में पंचायत के पदाधिकारी,
माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किए गए हैं कि वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे और बैंक के अधिकारी भी रहेंगे। इन पंजीयनों के अलावा और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोग अगर खाता भी खोलना चाहते हैं और अपने कुछ काम करने चाहते हैं, किसी आधार कार्ड के सुधार कराना चाहते हैं, तो उनकी टीम भी वहाँ पर उपस्थित रहती है। आयुष्मान कार्ड अगर किसी को बनवाना है तो हेल्थ की टीम भी वहाँ पर रहती है। इस तरह से सर्वोन्मुखी कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें PMSBY JJY के पंजीयन के साथ साथ बाकी सभी सुविधाएँ भी हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जा। पूरनपुर क्षेत्र कॉलोनी के सामने बने नाले में बारिश काल में लोगों को कई परेशानियां पैदा होती हैं। रहवासियों ने उक्त समस्या के निदान की मांग प्रशासन से की है। नाले में गंदगी का अंबार भी रहता है। कहाँ रहती है आप? यहीं पे। यहीं पे नहीं, नाम बताओ। बालाजीपुरम के सामने। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? ये पुलिया की। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या? बहुत साल हो गए, 10-12 साल तो हमें ही हो गएगा। क्या दिक्कत क्या आती है आपको? पानी भरा जाता है पूरे में। पूरे में? हाँ। बच्चे क्या चाहती क्या है आप लोग? बनना, इसे बनना, पुलिया बन जाए और क्या। मकान अयूब भाई और यासमीन बानो के नाम से। क्या नाम? अयूब खान। आपका नाम क्या है? यासमीन बानो। यासमीन, बालाजीपुरम। क्या दिक्कत होती है? ये पानी भरता है, पूरा रुकावट होती है, ये कचरा आता है सर, पूरा इधर से कचरे जगह से सब डालते हैं, हम निकालते हैं, दुनिया देखती कोई। जमीन किससे ली थी आपने? भैया लाल कक्का से। भैया क्या वादा किया था उन्होंने? 60 फीट रोड छोड़ के जगह दी थी, ये नाला बनेगा 20 फीट का 10 फीट का जितना भी उन्होंने बोला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 30 साल हो गए हमको यहाँ रहते। 30 साल हो गए बराबर। क्या परेशानी होती? बस ये पानी भरता है, ये रास्ता गिर जाती है, हमारी खुद की ये देखिए आप, अभी भी बॉन्डी गिरी हुई पड़ी है, देख लीजिए है, और ये पूरा पानी यहाँ जा रहा है, आप देख सकते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, लड़ाई होती बहुत ज्यादा। नटिरन तहसील की महेंद्र अमित और महाराज सिंह सहित एक महिला को गांव के ही बिट्टू सोनी व नंद किशोर सोनी द्वारा मारपीट के कारण 5 से अधिक लोग जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। पीड़ितों ने बताया। कहाँ रहती हो? नटिरन। कौन ने मारा आपको? बिट्टू सोनी ने। काय कहते हो? पता नहीं भैया, मोड़ा मार रहे थे तो हम चले गए बचावे के लिए, तो मोई भी मार रहे। मोड़ा का नाम क्या है आपके? अमित। अमित, तो बाद हुआ था आपका? पत अब हमें बाद में पहुंची, बीमार रहती तो हम बचा भी पहुंच गए। आपके साथ क्या करा उन्होंने? हमारे भी सूते बिन्ने लट्ठों से भी लोहे की फस फर सामान सा रखे थे। कितने जने थे लगभग? 3-4 जने थे भी कहते, हमने देख भी नहीं पाए रात के अंधेरे में। अमित कुशवा। कहाँ रहते हो? नटेरन। कौन ने मारा आपको? बिट्टू सोनी ने, लोकेश सोनी ने। कौन कौन थे? दोनों है। कौन कौन? सोनी के नाम बताया? बिट्टू सोनी और लोकेश सोनी। किस बात को लेके विवाद हुआ? अरे वो तो ऐसा ही सर, ऐसा ही आके थपाड़े मार दिए पहले दो, फिर इसके बाद में डंडा मंडा लेके हम सबको मारा। कब की घटना ये? रात की है सर। मेरे साथ दो लोग हैं गांव के दमंग, उनने मेरे साथ मारा है मुझको। कैसे मारा? राइडा थी और वो एक डंडा था। कौन दमंग है, क्या नाम है? नंद किशोर सोनी, लोकेश सोनी, देवकी नंदन सोनी। किस बात को लेके? मेरा कर्मचारी मेरे यहाँ से दुकान बंद करके जा रहा था, हम घर जा रहा था, तो उसमें कुछ वार्तालाप हो रही थी, उसमें मारने लगे उसे, हम लोग दौड़े, हम लोगों पर भी हमला किया। जमीन का विवाद है क्या? नहीं, जमीन का विवाद नहीं। कब की घटना? वो दारू पीते हैं। कब की घटना है? ये रात की घटना है, रात के 9:30। कितने लोगों को मारपीट की उन्होंने? उन्होंने हमारे 5 लोगों को घायल किया है। कौन कौन को? अमित कुशवा, महेंद्र धाकड़, महाराज सिंह धाकड़, मचल सिंह कुशवा और तुलसा भाई कुशवा। सबके सिर में चोट आई? मेरे सिर में चोट आई, 17-18-20 टांके समथिंग डले, और ये मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई हाथ में जी, उंगली। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी वहाँ पर? नटेरन रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मगर धाराएं उन्होंने ऐसी ही बनाई है, हम क्या बताएं। और वो तो हम, मैं तो बेहोश हो गया था। दमंग किसी पार्टी माल्टी से क्या बोलूं? दादागिरी चलती है साहब उनकी। अच्छा। हाँ, भाजपा व कांग्रेस की कई पार्षदगण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से मुलाकात के दौरान बताया कि शहर की सड़कों का निर्माण डामरीकरण हो, डामरीकरण से निर्माण की मांग की है, सीसी सड़क निर्माण का विरोध किया है। पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 23 से, मेरे वार्ड में कुछ सीसियाँ मैंने मार करी थी, तो वो सीसी हो रही हैं। मेरे कुछ लोग वार्ड में व्यापारियों का कहना है कि साहब जहाँ सीसी ना हो, मेरे द्वारा भी कुछ सीसी कराई गई थी, तो उसके लिए भी लोगों ने आपत्ति लगाई कि जब लोग सीसी नहीं करा, डामरी करा,
डामर से मार्केट का धूल भट्टी नहीं होती और सीसी से धूल होती है। इस कारण मैं चाहता हूँ कि मैंने तो अभी बात करी, मेरे को नॉलेज में आया कि मैं नोट हो रहा है जो भी कंडीशन बाट की सीसी हो रही है, तो मैंने उसकी ड्राइंग भी मांगी पीडब्ल्यूडी से, नगर पालिका से ही बार बार मांगी, मेरे पूरे बरकाटा रोक दिए गए और मेरे को काम करने से मना कर दिया कि आपके काम नहीं होंगे क्योंकि पहले से सीसी सैंक्शन हो रही है। तो मुझे अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि कौन ने क्या सीसी सैंक्शन कराई है, कौन सी गाइडलाइन से, कौन सी गली से सीसी सैंक्शन है। मैं तो सीसी कहां से कहां तक हो रही है? ये सीसी मैंने सुना माधवगंज से रामलीला तक हो रही है और मेरे वार्ड के कुछ क्षेत्र की गलियां भी उसमें ली गई है। अगर सीसी होती तो क्या दिक्कत होगी, किनको दिक्कत होगी? व्यापारियों को ये दिक्कत हो रही है कि होगी सीसी तो धूल होगी, दिक्कत होगी, सुधाई होगी तो प्रॉब्लम होगी, दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, कुछ समय का टाइम लगेगा। तो सीसी एकदम नहीं होती है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। शहर के विकास में क्या सही रहेगा? चीज मेरे हिसाब से शहर के विकास में लिए डामरीकरण सही रहेगा। डामरीकरण से क्या है, आदमी को ज्यादा रातों रात डामरीकरण हो जाता है और सीसी होने में टाइम लगता है, तो इतने टाइम आदमी व्यापार बंद नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अभी जितनी भी सीसी डाली है 7 दिन बंद करने के लिए मेरे को टाइम लगता है, तो व्यापारी को उसमें दिक्कत आती है, व्यापारी को धंधा। तो ये सीसी का टेंडर क्या नगर पालिका ने जारी करा है? नहीं, सीसी पीडब्ल्यूडी से हुआ और सीसी का टेंडर मेरे नगर पालिका से भी हुआ, कुछ गलियों का। मैं आशीष महेश्वरी पार्षद वार्ड नंबर 17 से, आज हमने हमारे सभी पार्षद भाइयों के साथ हमारे कलेक्टर महोदय से भेंट की है। हम सब विदिशा के विकास के लिए लेकर कर्तव्य चाहते हैं कि हमारा जो कर्तव्य धर्म है उसको निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं और ख़ास तौर पर आज हमने उस विषय पर चर्चा करी है। हम सब चाहते हैं कि शहर में जो रोड डामरीकरण का स्वीकृत है वो यथावत रहे और शहर में मेन रोड पे खास तौर पर डामरीकरण का कार्य होना चाहिए। विदिशा के विकास के लिए सही पार्षद कार्य कर रहे हैं, लेकिन अड़ंगा कौन लगा रहा है बीच में? अड़ंगा कौन है? अड़ंगा किसी प्रकार का नहीं है। देखिए, ये विकास की बात है, अड़ंगा किसी प्रकार का कोई नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि डामरीकरण का कार्य जो पहले से स्वीकृत है वो होगा, जिससे हमारा व्यापार, हमारे व्यापार महासंघ का या हमारे व्यापारी साथियों का भी आयत नहीं हो। अभी दिक्कत क्या हो रही है? एक्चुअली में हमने ये सुना है सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सीसी का कार्य कराने की योजना चल रही है। हमें कोई सीसी कार्य, हमें इसलिए दिक्कत है, सीसी होगी तो हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं है, सीसी होगी तो कहीं ना कहीं और उठाव होगा और ऐसा ना हो कि व्यापारियों की दुकान में जल भरा हो, और शासन से व्यापारियों को इस तरह की कोई योजना नहीं होती जिससे उनको नुकसान की भरपाई हो सके। तो हम सब व्यापारियों के साथ में हैं और जनता जनार्दन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। वैशाली नगर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी 11 के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुँचे। वहीं धार्मिक भजनों का भक्तों ने आनंद लिया। भजन कीर्तन के दौरान भक्तजन झूम उठे। धूमधाम से श्री खाटू श्याम के दर्शन कर एकादशी का पर्व मनाया। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama
जो जो खड़े हैं ना थोड़ी देर 5 मिनट ही दबा लो आपसे। को सिख गुरु गुरु नानक देव की जयंती मनाने से पूर्व पंजाबी समाज द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई एवं समाज के लोगों द्वारा अनूठे कर्तव्य दिखाए गए। बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग मौजूद रहे। खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि से एमटी न्यूज़। नमस्कार।